हेलो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन चैप्टर के अंदर पहली एक्सरसाइज और उसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया और उसमें हम लोगों ने फाइव क्वेश्चन किए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सिक्स से स्टार्ट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई इजिकल्स टू फाइव रेज टू ब्रैकेट साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट क्लोज इस क्वेश्चन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है तो आप पहले इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से जज करोगे कि इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा अपना स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ फाइव लिखा है मीन्स कॉन्स्टेंट और पावर में कुछ फंक्शन है जो ब्रैकेट में क्लोज है मीन्स

तो आप पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये आपका कॉमन सेंटेंस होना चाहिए जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना शुरू करें तो नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स फाइव रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री अब यहाँ आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स और आर एच एस में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए कॉन्स्टेंट रेस टू फंक्शन तो आपको ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा रिजल्ट क्या होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए ए के प्लेस पे फाइव है और एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट है तो आप यहाँ लिखेंगे ए रेस टू आप देखिए यहाँ ए रेस टू एक्स है तो रिजल्ट में भी ए रेस टू एक्स है तो आप सेम रिजल्ट यहाँ यूज़ करेंगे ए फाइव रेस टू ब्रैकेट फाइव साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री ये आपको तो यूज करना ही है ओके इन टू यहां देखिए लॉग ए भी लिखा है मीन्स ए क्या है फाइव तो आप लिखेंगे लॉग फाइव ये भी आपको लिखना है ओके इन टू अब देखिए यहां पर अगर ए रेस्टू एक्स है मीन्स अगर ए रेस्ट फाइव रेस्टू ओनली एक्स रहता है तो हम फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके यहां छोड़ देते लेकिन आप देख रहे हैं एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट लिखा है स ये कंपोजिट फॉर्म है तो इस ब्रैकेट को हमें फर्दर डिफरेंशिएट करके यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप यहां यूज करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है जब भी कोई भी कंपोजिट फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है तो पहले हम पेरेंट डेरिवेटिव मींस जो अपना स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको यूज करके हम पहले होल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो होल फंक्शन को देखिए मैंने डिफ्रेंशियट किया तो ये रिजल्ट आया और फिर चेन रूल को यूज करते हैं इस ब्रैकेट के ऊपर जो X के प्लेस पे ऑलरेडी पहले से ऑक्यूपाइड है तो एक्स के प्लेस पे क्या है देखिए ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को हमें फर्दर डिफ्रेंशिएट करके यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहां डी वाई अपॉन डी एक्स एल एच एस एज इट इज रहेगा यहां डिफ्रेंशिएशन हो चुका है यहां हमें कुछ करना नहीं है फाइव ब्रेज टू यहां देखिए ये यह फाइव नहीं है ओके फाइव प्लेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री इन लॉग फाइव इन डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के अंदर आप लेकर जाएंगे और एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप यहां डी अपॉन डी एक्स साइन क्यूब एक्स डी अपॉन डी एक्स थ्री ब्रेकेट क्लोज इज इक्वल्स टू एल में आपका में डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा कॉपी करना है फाइव रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉक फाइव यहां आपको ये सब कॉपी करना है जहां पर आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी dx डी एक्स इसको हमें डिफ्रेंशियट करना है तो आप देखिए साइन क्यूब एक्स अब आप देखिए साइन क्यूब एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन रेस टू क्यूब है तो आप देखिए यहाँ पहले फंक्शन है साइन क्या है एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पावर में थ्री लिखा है मीन्स फंक्शन डेज टू कॉन्स्टेंट और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फंक्शन डेज टू कॉन्स्टेंट अगर कुछ ऐसा लिखा हो फंक्शन डेज टू कॉन्स्टेंट तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना पड़ता है फंक्शन डेज टू कॉन्स्टेंट रिजल्ट मिलता है आपको एन एक्स रेस टू एन माइनस वन और एन के प्लेस पे आप देखिए यहाँ पे थ्री है यहाँ आप थ्री यूज करेंगे एक्स रेस टू थ्री तो आपको रिजल्ट मिलेगा थ्री एक्स रेस टू थ्री माइनस वन बट एक्स के प्लेस पे साइन एक्स भी तो है तो पहले हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और फिर चेन रूल से जो एक्स के प्लेस पर है साइन एक्स साइन एक्स को फर्दर डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे थ्री साइन स्क्वायर एक्स अगर साइन एक्स के प्लेस पे एक्स होता तो आप कहते थ्री एक्स स्क्वायर बट एक्स के प्लेस पे साइन एक्स है तो साइन एक्स को हम फर्दर डिफ्रेंशियट करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोई बताएगा कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आपको cos x लिखना है प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव थ्री या थ्री का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो ओके इज इक्वल्स टू एल एच एस में डीवाई अपॉन डी एक्स आपका एज इट इज रहेगा ये आपको एज इट इज कॉपी करना है साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव ये कॉपी करना है आप यहाँ देखिए थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स ये आपको एजीज रखना है आप चाहो तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले भी यूज़ कर सकते तो आप लिखेंगे थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग फाइव टू फाइव टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री और एल में आपका एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप सिंप्लीफाई करिए अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है वाई इज इक्वल्स टू कोसेक ब्रेकेट अंडर उसे इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहां आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज डी बाई डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स कोसेक ब्रैकेट अंडर रूट कॉस एक्स एल एच एस में देखिए डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स और आर एच एस में देखिए कोसेक को डिफ्रेंशिएट करना है मीन्स यहां पर अगर मैं कहता एक्स रहता तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स तो आप लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट लिखेंगे कोसेक एक्स इंटू काट एक्स एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट है आपको ब्रैकेट कॉपी करना है कोशेक एक्स होता तो कोशक एक्स इंटू कॉट एक्स और एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट है तो मैंने ब्रैकेट यहाँ पुट कर दिया इंटू और एक्स के प्लेस पे देखिए जो वैल्यू है अंडर रुट कॉस एक्स इसको आपको फर्दर डिफ्रेंशिएट करके आगे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ये आपको एक्जिटिव लिखना है कोशेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ब्रैकेट अंडर रूट कॉस एक्स इन टू अब यहाँ देखिए अंडर रूट कॉस एक्स है अंडर रूट एक्स होता तो हम कहते हैं डेरेवेटिव वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स बट अंडर रूट कॉस एक्स है तो हम कहेंगे डेरिवेटिव इसका वन अपॉन टू अंडर रूट कॉस एक्स एक्स के प्लेस पे ये कॉस एक्स है इन टू अगर एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो आप यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स ओके okay, तो ये चेन रूल से मैंने पहले कोशेक को, को डिफ्रेंशिएट किया फिर मैंने अंडर रूट को किया देन लास्ट में हम कॉस एक्स को करेंगे माइनस कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स ये सब वैल्यू आपको एज इट इज कॉपी करनी है कॉट ब्रैकेट अंडर रूट कॉस एक्स वन अपॉन टू टाइम्स अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है माइनस माइनस प्लस तो यहाँ प्लस लिखेंगे साइन को पहले यूज कर लेंगे साइन एक्स एन टू कोस अंडर रुड कॉस एक्स इंटू कॉट ब्रैकेट अंडर रुट कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे टू टाइम्स अंडर रुट कॉस एक्स है तो होल अपॉन टू टाइम्स अंडर रुट कॉस एक्स और एल में आपका एज इट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स होगा यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस तो प्लस प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये आपका फाइनल आंसर होगा अगर फर्दर डिफ्रेंसीशन या फिर कैलकुलेशन या फिर और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आपको करना है अदरवाइज़ ये आपका फ़ाइनल आंसर होगा फर्दर कैलकुलेशन तो और पॉसिबल नहीं है इसमें मीन्स ये आपका डी अपॉन डी और इसकी ये वैल्यू है तो हम मूव करेंगे अब क्वेश्चन नंबर एट पर आपका क्वेश्चन नंबर एट है वाई इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट कॉस एक्स क्यूब प्लस फाइव आप देखिए आउटर फंक्शन लॉग है ब्रैकेट इनर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगेन अंदर आप मूव करेंगे तो आपको अल्जेब्रिक फंक्शन मिलेगा मतलब यहां तीन फंक्शन है पहले लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक और अल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स आपको थ्री टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है इसको बाई यूजिंग चेन रूल ओके okay, तो पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये आपको लिखना है ओके okay, ये आपका क्वेश्चन नंबर एट है वाई इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट एक्स क्यू प्लस फाइव इस क्वेश्चन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है मीन्स आपको डीवाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है यह आपका क्वेश्चन नंबर एट है y to, आपका क्वेश्चन नंबर एट हैट कॉस ब्रैकेट एक्स क्यू प्लस फाइव इस क्वेश्चन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहां लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज डी वाई डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स लॉग ब्रैकेट कॉस एक्स क्यूब प्लस फाइव ब्रैकेट क्लोज डेरीवेटिव ऑफ फाइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अब यहां देखिए लॉग ब्रैकेट लॉग एक्स एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट है तो अगर लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो हम कहेंगे वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स तो लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव वन अपॉन ब्रैकेट ब्रैकेट के प्लेस पे कॉस एक्स क्यूब प्लस फाइव है ओके इनटू टू जो एक्स के प्लेस पे हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू प्लस फाइव ब्रैकेट क्लोज एल एच एस में आप एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स कॉपी करेंगे वन अपॉन कॉस एक्स क्यूब प्लस फाइव आपको ऐसे ही रखना है इन टू अब यहाँ देखिए आउटर फंक्शन कॉस कॉस एक्स कॉस एक्स इसको कंसिडर करिए एक्स तो कॉस एक्स होता तो डेरिवेटिव हम कहते हैं माइनस साइन एक्स तो आप यहां लिखेंगे माइनस साइन एक्स एक्स के प्लेस पे क्या है ये ब्रैकेट है होता तो कहते हैं माइनस साइन एक्स कॉस ब्रैकेट है तो कहेंगे माइनस साइन ब्रैकेट और जो ब्रैकेट है एक्स के प्लेस पे इसको हमें फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एल एच एस में आप सेम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉपी करेंगे वन अपॉन कॉस एक्स क्यूब प्लस फाइव आप ऐसे ही रखेंगे माइनस को, को आप पहले यूज़ करिए ये माइनस यहाँ देखिए साइन एक्स क्यू प्लस फाइव ये मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस फाइव डी अपॉन डी एक्स को आप ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे और एक एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स फ़ाइव अब यहाँ देखिए माइनस आपको ऐसे ही रखना है साइन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन होता है साइन अपॉन कॉस टैन मीन्स आप इसको टैन एक्स क्यूब प्लस फाइव लिख सकते हैं सबको पता होता है टिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स क्यूब प्लस फाइव अपॉन कॉस एक्स क्यूब प्लस फाइव इज़ इक्वल्स टू टैन एक्स क्यूब प्लस फाइव इन टू एक्स क्यूब का डेरेवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट का डेरेवेटिव जीरो होता है वो लिखने की जरूरत नहीं है एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो थ्री एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इन टैन एक्स क्यूब प्लस फाइव ब्रैकेट क्लोज और एल एस में आपका डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा तो ये आपका क्वेश्चन एट था और ये एट का कंप्लीट और डिटेल्ड सोल्यूशन है ओके okay? मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पर यह आपका क्वेश्चन नंबर नाइन है वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स ई रेस टू कुछ फंक्शन लिखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सेम ई रेस टू एक्स होता है बट एक्स के प्लेस पर आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट लिखा है तो पहले हम इस स्टैंडर्ड डेरिवेटिव से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो x के प्लेस पे लिखा है उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ये आपको लिखना है नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करिए विच इज डी बाई डी एक्स तो यहाँ आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स ई टू ब्रैकेट थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स अब यहाँ देखिए ई रेस टू एक्स एक्स के प्लेस पे ये कंप्लीट वैल्यू है तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेम ई रेस टू एक्स तो आप सेम कॉपी करेंगे पहले ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स आपको पहले सेम सेम कॉपी करना है बिकॉज हमारे पास जो ई टू एक्स फंक्शन है स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स सेम होता है आपको सेम कॉपी करना है बट यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर क्या ये ब्रैकेट लिखा है मीन्स इस ब्रैकेट को फर्दर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल टूल यूज़ करेंगे और इस ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज एल एच एस में आपका डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा ये आपका फंक्शन एज एज इट इज़ रहेगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स को आप इस ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे और एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप ब्रैकेट के अंदर लेकर जाइए यहाँ देखिए थ्री इंटू फंक्शन लिखा है मीन्स थ्री कॉन्स्टेंट है डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखिए और साइन स्क्वायर को डिफ्रेंशियट करेंगे हम टू कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रहेगा कॉस स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स यहां देखिए एल एच एस में एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा ये ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स ये आपको एज इट इज कॉपी करना है इन टू थ्री कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ देखिए साइन एक फंक्शन है पावर में कांस्टेंट है मींस फंक्शन डेस्ट टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आप ये फॉर्मूला यूज करिए डी अपॉन डी एक्स एक्स टू एन 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 एक्स रेस्ट टू एन माइनस वन मीन्स फंक्शन डेस्ट टू कॉन्स्टेंट एन कॉन्स्टेंट वैल्यू है एक्स क्या है वेरिएबल है मीन्स वेरिएबल रेस्ट टू कॉन्स्टेंट या फिर एक्स को आप फंक्शन भी कह सकते हैं फंक्शन रेस्ट टू कॉन्स्टेंट तो आपको रिजल्ट मिलता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन और यहाँ पर देखिए एन के प्लेस पर टू है तो आप लिखेंगे टू एक्स के प्लेस पर साइन है तो लिखेंगे टू साइन टू माइनस वन तो यहाँ आप लिखेंगे टू साइन रेस्ट टू टू माइनस वन और ये एक्स है ऐसे ही लिखेंगे तो मैंने पहले यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया टू साइन टू माइनस वन और एक्स के प्लेस पर आप देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स को फर्दर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है तो आपको यहाँ पर कॉस एक्स भी लिखना पड़ेगा सिमिलरली अगर यहाँ बात करूँ कॉस स्क्वायर एक्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो आपको ये फॉर्मूला अगेन यूज़ करना है तो आप लिखेंगे टू कॉस एक्स रेस टू टू माइनस वन एन एक्स रेस टू एन माइनस वन और एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन एक्स साइन यहाँ लिखेंगे और माइनस से इसको माइनस को प्लस कर देंगे और ये आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे एल एच एस में आप देखिए एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा आपका ये एज इट इज सेम कॉपी करना है थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज इन टू थ्री टू या सिक्स सिक्स साइन एक्स टू माइनस वन वन मीन्स यहाँ पर आपको साइन एक्स मिलेगा इंटू कॉस एक्स मिलेगा प्लस टू टू जब फोर फोर यहाँ देखिए आपको कॉस मिलेगा यहाँ से टू माइनस वन वन होता है कॉस तो और यहाँ पे साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका एज इट इज एल एक्सएस में रहेगा ये वैल्यू आपको सेम कॉपी करनी है थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स इन टू यहाँ देखिए ब्रैकेट में साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स आप कॉमन करिए या फिर ऐसे भी कर सकते हैं सिक्स टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स फोर टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स मीन्स टोटल टेन टाइम्स सिक्स और फोर टेन टेन टाइम्स टेन टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ओके फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो आप यहाँ देखिए साइन एक्स कॉस एक्स है अगर यहाँ से टेन से मैं ब्रेक टेन को ब्रेक करके टू पिक कर लूँ तो हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स और टू साइन एक्स कॉस एक्ट का फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का ओके साइन टू एक्स इजिकल्स टू टू साइन एक्स कॉस एक्स तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ तो टेन को ब्रेक करिए फाइव इंटू टू में ब्रेक करेंगे आप तो जो यहाँ से फाइव निकल के आएगा उसको आप मल्टीप्लीकेशन में पहले यूज़ करेंगे और ई रेस टू सेम थ्री साइन स्क्वायर एक्स थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज और देखिए टेन से मैंने फाइव निकाल दिया है और यहाँ बचेगा कितना टू टू साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का तो आप डायरेक्टली इंटू करके साइन टू एक्स यहाँ लिखेंगे तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ओके okay? अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन पे ये आपका क्वेश्चन नंबर टेंथ है वाई इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन तो आप यहाँ देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और पावर में टू है तो आपको एक लॉजिक यूज़ करना है यहाँ पे सपोज आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर एक्स तो आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स ब्रेकेट क्लोज रेस टू टू पहले लॉजिक आपको ये यूज करना है यहाँ पे और इसको थोड़ा और सिम्प्लीफाई करना है क्योंकि अभी आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले को मीट नहीं करता तो आप जैसे साइन स्क्वायर एक्स है ब्रैकेट क्लोज रेस टू टू करेंगे तो आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा वाई इज इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ब्रैकेट क्लोज रेस टू टू यहां टू यूज करेंगे तो जैसे आपने ये किया आपको दिखता है कि एक फंक्शन और फंक्शन रेस टू कांस्टेंट देन आपको फार्मूला यूज करना है फंक्शन रेस टू कॉन्स्टेंट एक्स रेस टू कॉन्स्टेंट ये फार्मूला यूज करना है एन एक्स रेस्ट टू एन माइनस वन और एन के प्लेस पे टू है और एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट है ओके तो पहले आपको ये फार्मूला अब यहाँ पर यूज करना है और ये ब्रैकेट रेस टू टू मैंने ये लॉजिक यूज किया है यहाँ पे अब यूज करेंगे आप यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज डी बाई डी एक्स x x के प्लेस पे ये ब्रैकेट है x स्क्वायर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x x एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट आपको लिखना है cos log x स्क्वायर प्लस सेवन ब्रैकेट क्लोज अब जिसको हमने x कहा उसको आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे यहां पे d अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ओके नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर वाई है नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पर एल में डी वाई अपॉन डी ही रहेगा ये एज इट इज कॉपी करेंगे आप टू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ब्रैकेट क्लोज एंड टू डी अपॉन डी एक्स पहले कॉस को डिफ्रेंशिएट करेगा तो कॉस अब यहाँ तक आप कंसिडर करें कि ये वैल्यू एक्स के बराबर है एक्स तो कॉस एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो कॉस ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस साइन ब्रैकेट तो आप लिखेंगे यहां पर माइनस साइन ब्रैकेट माइनस साइन और ब्रैकेट के प्लेस पे क्या है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन लिखा है ओके और एक्स्ट्रा और हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर आपने लॉग यहां पर आपने डी बाई डीएक्स कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन ब्रैकेट ओके और चेन रूल से फर्दर हमें इस ब्रैकेट को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ये आपको एक्स्ट्रा करना है अगेन आप देखेंगे यहाँ पे एल एच एस में डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा टू कॉस ब्रैकेट क्लोज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एंड टू यहाँ माइनस साइन है आप माइनस साइन को पहले यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एन टू अब यहाँ देखिए लॉ लॉगरिथमिक फंक्शन है और लॉग के अंदर अल्जेब्रिक फंक्शन तो आप पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे अगर यहाँ एक्स होता तो आप कहते हैं लॉग एक्स का डेरीवेटिव वन अपॉन एक्स यहाँ ब्रैकेट है तो आप कहेंगे वन अपॉन ब्रैकेट वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन लॉग एक्स का डेरीवेटिव कितना होता है वन अपॉन एक्स तो एक्स के प्लेस पर यह ब्रैकेट है तो वन अपॉन ब्रैकेट और फर्दर चेन रूल से इस ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन नेक्स्ट स्टेप में एल में आप देखिए एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे माइनस टू कॉस ब्रैकेट क्लोज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इंटू यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आपके लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन अब ये अजेब्रिक फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशियट ऑपरेटर को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे आप पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर सेवन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर के डेरीवेटिव टू एक्स होता है और सेवन का डेरीवेटिव जीरो होता है क्योंकि सेवन एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा टू एक्स अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ देखिए टू इंटू टू फोर माइनस है आगे तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस फोर एक्स है वहाँ पर तो आप यहाँ भी एक्स यूज करेंगे कॉस ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सेवन होल अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन तो यहाँ पर होल अपॉन आप यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सेवन अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप करिए अदरवाइज़ ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ देखिए एक स्टेप और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं देखिए साइन एक्स एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू लिखिए कॉस एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू लिखिए और यहाँ फोर है तो फोर को आप टू इंटू टू लिख सकते हैं और एक टू को आप इस फॉर्मूले में यूज़ करिए टू साइन एक्स कॉस एक्स तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा साइन टू एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा तो अगर फर्दर मैं सॉल्व करूँ इसको तो कुछ ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ से मैं एक टू इसके साथ यूज़ करूँगा और एक टू यहाँ बचेगा तो आप लिखेंगे यहाँ माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स और एक टू इसके साथ जाएगा तो बनाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स तो आप लिखेंगे साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स एक्स के प्लेस पे क्या है ये ब्रैकेट है तो आप ये ब्रैकेट यूज करेंगे लॉग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ब्रैकेट क्लोज ओके डिनोमिनेटर में आपकी ये वैल्यू एज इट इज रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ओके टू साइन एक्स कॉस एक्स तो फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स और एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट है तो फॉर्मूला साइन टू एक्स एक्स के प्लेस पे ये ब्रैकेट मैंने लिखा ओके okay? तो ये लास्ट आंसर है अगर यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप करिए अदरवाइज ये, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स एल एच एस में जो लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स ये उसका फाइनल आंसर हो जाएगा मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है साइन टू एक्स इज इक्वल्स टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ओके तो यहाँ देखिए एक्स के प्लेस पर यह ब्रैकेट था कॉस एक्स एक्स के प्लेस पर यह ब्रैकेट था तो टू साइन एक्स कॉस एक्स तो रिवर्स वे में मैंने ये लिखा है साइन टू एक्स ओके okay? तो ये आपका फाइनल और डिटेल सोल्यूशन था तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल फाइव क्वेश्चन सॉल्व किया और आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेसिक्स में प्रॉब्लम है या फिर आ, बेसिक डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो आप चैनल के अंदर प्ले में जाइए और मैंने बेसिक वीडियोज़ अपलोड करके रखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए देन फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी क्लैरिटी आएगी और डिफरेंशिएशन को समझने में आसानी हो जाएगी तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो